तारीफ और बुराई में एक चीज कॉमन होती है, तारीफ पीठ ठोक कर दी जाती है और बुराई पीठ पीछे की जाती है। पर ये पीठ पीछे से बोलने की आदत गुस्सा बहुत दिलाती है ना। कई बार तुम सोचते तो होंगे कि आखिर क्यों बिना किसी गलती के भी तुम्हें गलत ठहराया जाता है। तुम्हारे अंदर की लाख अच्छाई कोई देखे ना देखे, मगर जरा सी बुराई को पहले गिनाया जाता है। मेरे दोस्त, ये दुनिया है, दुनिया तुम चाहो या ना चाहो बुराई तो होगी। कई बार तुम्हारे अंदर नुक्स भी निकाले जाएंगे और कई बार तुम्हारी खामियां भी ढूंढी जाएंगी। कई बार तुम्हें तुम्हारी कमियां भी जताई जाएंगी तो कई बार तुम्हें तुम्हारी गलतियां भी बताई जाएंगी। अक्सर लोग तुम्हारे पीठ पीछे न जाने कितना कुछ बोल जाएंगे, मगर याद रखना कि यही वो लोग हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें सही मायनों में रिश्ते नाते सही गलत अच्छा बुरा कामयाबी नाकामयाबी कुल मिलाकर जिंदगी का सच्चा पाठ पढ़ाएंगे। क्योंकि लोगों का काम है कहना, पर महज कहने से कोई कहां बुरा होता है। जो तुम्हें गलत बता रहे हैं उन्हीं को गलत साबित करने का मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि तारीफ तो हर कोई सुनना चाहता है, मगर हिम्मत तो बुराई सुनने के लिए चाहिए होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी के हर मोड़ पर लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी बातों को जज करेंगे, तुम्हारी आदतों को जज करेंगे, तुम्हारे एटीट्यूड को जज करेंगे, तुम्हारी प्लानिंग को जज करेंगे, कुल मिलाकर तुम्हें जज करेंगे। मगर उनके कुछ कहने से या कुछ समझने से क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो वो बोल रहे हैं तुम्हें उस पर बोल कर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि उन सब की बोलती बंद हो जाए ऐसा कोई एक्ट करना है।